रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः द्वादशः पाठः विद्याधनम् न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशुः विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशु केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते शीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते शीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुहा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्योपेक्ष सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु शब्दार्थ चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य भारकारी भार बढ़ाने वाली प्रच्छन्न गुप्तम अत्यंत गुप्त भोग करी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाले परा सबसे बड़ी राजसु राजाओं में केयूरा बाजुबंद चंद्रज्वला चंद्रमा के समान चमकदार विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य नालंकृता नौ अलंकृता नहीं सजाया हुआ मूर्धजा वेणी चोटी वाण्येका वाणी एका एकमात्र वाणी समलंकरोति अच्छी तरह सुशोभित करती है संस्कृता संस्कार युक्त परिष्कृत धार्यते धारण की जाती है छीयन्ते अखिल भूषणानि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं छीयन्ते अखिल भूषणानि
भाग्य क्षय अच्छे दिन बीत जाने पर आश्रय सहारा काम दुहा इच्छानुसार फल देने वाले सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र या समूह रत्नैर विना रत्नों से रहित विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार तस्माद अन्य उपेक्ष्य अतः दूसरे सबको छोड़कर तस्मात् अन्यम् उपेक्ष्य